इलाहाबाद विश्वविद्यालय एक बार फिर सुर्खियों में है और इस बार भी वजह अच्छी नहीं है। पहले रैगिंग और अश्लील हरकत के मामले में इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी खबरों में रही और अब छात्रा से यौन उत्पीड़न की खबरों ने सबको हैरान कर दिया है। अभी एक हफ्ते का वक्त भी नहीं बीता जब पीजी के एक छात्र ने विश्वविद्यालय के चीफ प्रॉक्टर के कार्यालय के अंदर मौजूद कर्मचारी पर कई गंभीर आरोप लगा दिए थे। आरोप मारपीट अभद्रता के साथ रैगिंग के। इस बात से खफा विश्वविद्यालय के छात्रों ने कैंपस के बाद विश्वविद्यालय गेट पर जमकर हंगामा भी किया था। यही नहीं, नाराज छात्रों ने प्रयागराज के कनलगंज थाने का घेराव भी किया। छात्रों द्वारा विश्वविद्यालय प्रशासन के कर्मचारियों पर FIR दर्ज कराने के लिए लिखित शिकायत भी दर्ज की गई। इस मामले ने काफी तूल पकड़ा था और अभी भी इसमें यूनिवर्सिटी प्रशासन की तरफ से कोई नतीजा नहीं आ पाया है। लेकिन उधर एक और नए मामले ने अब तूल पकड़ना शुरू कर दिया है जो इससे भी ज्यादा संगीन है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की एक छात्रा ने प्राचीन इतिहास विभाग के एक सहायक प्रोफेसर पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है। छात्रा ने इसे लेकर शहर के कनलगंज थाने में प्राथमिकी भी दर्ज कराई है, मगर डरी सहमी छात्रा का आरोप है कि उसे पुलिस की तरफ से घुमाया जा रहा है। साथ ही आरोपी प्रोफेसर की तरफ से धमकियां भी मिल रही हैं। छात्रा ने आरोपी शिक्षक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने के लिए कनलगंज थाने में तहरीर दी है। छात्रा की ओर से विभागाध्यक्ष को लिखा गया पत्र अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। छात्रा ने इस पत्र में लिखा है कि शिक्षक ने उसे स्नातक द्वितीय वर्ष के समय से प्रेम प्रस्ताव दिया था, इनकार करने पर फोन कर परेशान करना शुरू किया। शिक्षक ने खुद को कैंसर का मरीज बताकर पहले इमोशनल ब्लैकमेल किया और फिर यौन शोषण किया और अब जान से मारने की धमकी दे रहा है। इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय जहाँ पूरब का ऑक्सफोर्ड कहा जाता था, वहीं अब जो है गुरु शिष्य परंपरा को तार तार करने के रूप में भी लोग देख रहे हैं। एक छात्र ने जहां आरोप लगाया था कि प्रॉक्टोरियल बोर्ड के चीफ प्रॉक्टर ने उसके साथ उत्पीड़न किया, रैकिंग किया, वहीं अब एक दूसरा बड़ा मामला सामने आया है जहां एंशियंट हिस्ट्री के फाइनल की छात्रा ने अपने ही असिस्टेंट प्रोफेसर के ऊपर ये आरोप लगाया है कि उन्होंने उसका यौन शोषण किया है, ब्लैकमेल कर रहे हैं, धमकी दे रहे हैं और इसके आरोपों के लिए एक शिकायत पत्र बाकायदा छात्रा ने कर्नलगंज कोतवाली में दिया है। फिलहाल छात्रा का कहना है कि वह पूरी तरह से पीड़ित है, डरी हुई है, लेकिन पुलिस उसकी कोई मदद नहीं कर रही है। अभी तक उसकी FIR भी नहीं दर्ज की गई है। प्रयागराज से NBT ऑनलाइन के लिए मैं शिवपूजन सिंह।